डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन है द रिवॉर्ड। द रिवॉर्ड एक शॉर्ट स्टोरी है, इसे लॉर्ड डन्सने ने लिखा है। लॉर्ड डन्सने आयरिश शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनका ताल्लुक 20th सेंचुरी से था, 20वीं सदी से था। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। आवर टॉक एट द क्लब वन डे वॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। क्लब में हमारी गुफ्तगू एक दिन मौके और अजम के बारे में थी। अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, डिटर्मिनेशन मीन्स अजम। अजम, परसवियरेंस, स्टेडफास्टनेस, इस्तकलाल, मुस्तकिल मिजाजी। तो क्लब में गुफ्तगू किस टॉपिक पे थी, डिस्कशन हो रही थी, डिस्कशन किस बारे में थी, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन के बारे में, मौके और अजम के बारे में। सम सेड अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। कुछ ने कहा कामयाबी के लिए मौके की जरूरत थी। एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को ये मिलता ही नहीं था। अदर दैट, दूसरों ने ये कहा ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड। दूसरों ने ये कहा कि सिर्फ अजम की जरूरत थी। तो ये दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप क्या कह रहा था, कामयाबी के लिए चांस की, अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, और अक्सर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। दूसरा ग्रुप क्या कहता था, नहीं, सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटी की नहीं, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, स्टेडफास्टनेस की ज़रूरत है, परसवेरेंस की ज़रूरत है, अजम की, मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, इस्तकलाल की ज़रूरत है। एंड देन जार्कन्स जॉइंड है, फिर जार्कन्स इसमें शामिल हो गया। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, उसके सारे दलाइल अजम के लिए थे, उसके सारे दलाइल हिम्मत के लिए थे, मुस्तकिल मिजाजी के लिए थे, इस्तकलाल के लिए थे। If a man was determined to get anything, अगर एक इंसान किसी चीज को पाने के लिए बाअज़म हो, and stuck to it, और इससे लगा रहे, इससे जुड़ा रहे long enough, मतलूबा अरसे तक, he got it, वो इसे पा लेता है, वो इसे हासिल कर लेता है, said Jorkins, Jorkins ने कहा। जार्किंस ने क्या कहा, इफ अ मैन वॉज डिटर्मेंड टू गेट एनी थिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग एनफ ही गॉट इट। उसने कहा कि इंसान किसी चीज के लिए पुरअज़म हो और उसके साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ जुड़ा रहे, ही गॉट इट, वो उसे पा लेता है। किसने कहा ये, जार्किंस ने। एनीथिंग आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने पूछा कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी, जार्किंस रिप्लाइड, जार्किंस ने जवाब दिया, सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट, जब तक वो इसके साथ जुड़ा रहे, एंड स्टिक्स टू इट हार्ड एनफ, और इसके साथ मतलूबा मेहनत के साथ, एंड लॉन्ग एनफ, और मुनासिब अरसे तक लगा रहे, एनीथिंग वट एवर, चाहे कुछ भी हो। जार्किंस का क्या मतलब है, चाहे कुछ भी हो, अगर इंसान उसके साथ जुड़ा रहे, स्टेडफास्टनेस शो करे, डिटर्मिनेशन हो उसमें, और उसके साथ हार्ड एनफ और लॉन्ग एनफ, मुनासिब मेहनत से और मतलूबा अरसे तक जुड़ा रहे,
फिर वो उस चीज को पा लेता है। टर्बट डिसएग्रीड, टर्बट ने इत्तफाक ना किया, डिसएग्रीड डिफर्ड। लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की तरह है। जिंदगी किसकी तरह है? लाइक अ रेस, दौड़ की तरह है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात जारी रखी। वेंट ऑन, कंटिन्यूड, केप्ट ऑन। इन विच दे टायर, जिसमें वो थक जाते हैं। आफ्टर अ वाइल, एक लम्हे बाद, थोड़ी देर बाद। एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं। और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और इसके बजाय किसी और चीज में दिलचस्पी लेने लगते हैं। जार्किन्स क्या कह रहे हैं? लाइफ इज लाइक अ रेस इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड। जिंदगी एक दौड़ की तरह है, जिसमें वो थक जाते हैं, जिसमें वो थोड़ी देर बाद थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, सुस्ताने लगते हैं। और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, या फिर किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लगते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन, जो शख्स जारी रखता है। द मैन हु कीप्स ऑन, वो शख्स जो जारी रखता है। विंस द रेस, रेस जीत जाता है, दौड़ जीत जाता है। दौड़ कौन जीतता है? विन करता है। हु कीप्स ऑन, जो जारी रखता है, जो कंटिन्यू करता है। तो जॉर्किंस क्या कह रहा है? अगर आप डिटर्मेंट हैं, आप स्टेडफास्ट हैं, बाअज़म हैं, आप जरूर जीतेंगे। आप अगर हारते हैं तो उसकी वजह क्या है? यू गेट टायर्ड एंड सिट डाउन। ठीक है, अगर आप डिटर्मेंट हैं, एंड इफ यू कीप ऑन, एंड इफ यू वर्क हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ, यू गेट द रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करते हैं, और इफ यू वर्क हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ, फिर आपको आपका रिवॉर्ड, आपका फल, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, और फर्ज करो एक शख्स सहारा में बर्फ पर फिसलने के खेल का चैंपियन बनना चाहता हो। सेड टर्बिट, टर्बिट ने कहा, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहां पहुंचने के लिए उसके पास पैसे ना हो, पैसे अफोर्ड ना कर सकता हो। तो स्केटिंग एक गेम है जिसमें बर्फ पर फिसलने का खेल है। इसमें एक इनक्लोज्ड एरिया बनाया जाता है, मैदान सा बनाया जाता है, और उसको बर्फ से भरा जाता है, और लोग उस पे खड़ावे पहन के उस पे फिसलते हैं। ये गेम है जिसको हम स्केटिंग कहते हैं। टर्बिट क्या कह रहा है? सहारा में, सहारा क्या है? अफ्रीका का एक डेजर्ट, एक सहरा है, और सहरा में डेफिनेटली रेत होती है, बर्फ नहीं होती। अगर कोई शख्स सहारा में, सहराए सहारा में स्केटिंग का चैंपियन बनना चाहे, बर्फ पर फिसलने का चैंपियन बनना चाहे, तो क्या ये भी मुमकिन है? असल में वो क्या कहना चाहता है? जिंदगी में हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सहराए सहारा में स्केटिंग चैंपियन कैसे बन सकते हैं जबकि वहाँ बर्फ ही नहीं है? बर्फ होगी तो वहाँ स्केटिंग रिंक बनेगा, स्केटिंग पे खेलने का मैदान बनेगा, और अगर मैदान होगा तो वहाँ स्केटिंग का कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो आप स्केटिंग चैंपियन बन पाएंगे। चूंकि सहारा में रेत है, बर्फ नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। ही वुड मेक द मनी, वो पैसे बना लेगा, वो पैसे हासिल कर लेगा। सेड जॉर्किंस, जॉर्किंस ने कहा, एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक,
और वो बर्फ पर फिसलने का मैदान बना लेगा इन द सहारा, सहराए सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपिटिशन देयर, और वो वहाँ एक मुकाबला मुनक्किद करवाएगा। ही वुड बी अ स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट, वो ठीक ठाक स्केटिंग का चैम्पियन बन जाएगा, वो ठीक ठाक बर्फ पर फिसलने के खेल का चैम्पियन बन जाएगा। इफ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो वाकई अपना पूरा वक्त इसको देता है। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, क्या तुम हमें इस तरह की कोई मिसाल दे सकते हो? आस्क्ड वन ऑफ अस, हम में से एक ने पूछा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, असल बात तो ये है, दर हकीकत मैं ऐसी मिसाल दे सकता हूँ, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। अ वेरी सिमिलर केस, एक बिल्कुल मिलता जुलता केस, एक बिल्कुल मिलती जुलती मिसाल। लेट्स हियर इट, हम सुनते हैं, चलो बताओ हमें, सेड टर्बट, टर्बट ने कहा। देर वॉज अ यंग फेलो, एक नौजवान था, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। टू होम हिज पेरेंट्स, जिसे उसके वालदैन, प्रॉबली यूज टू से द वेरी थिंग्स, शायद वैसी ही बातें कहा करते थे, दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जैसी हम अब कह रहे हैं। एंड वेरी लाइकली ही, और ऐन मुमकिन है कि वो, एज मैनी यंग फेलोज डू, जिस तरह के अक्सर नौजवान करते हैं, मे हैव वॉन्टेड टू प्रूव देम रॉन्ग, उन्हें गलत साबित करना चाहता होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत अरसा पहले की बात है, बहुत वक्त पहले की बात है। बट लेकिन वट एवर हिज मोटिव वॉज, उसका मकसद जो भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, उसे एक इंतहाई गैर मामूली अजम का ख्याल आया, उसे इंतहाई गैर मामूली मकसद का ख्याल आया, एंड स्टक टू इट, और वो इससे जुड़ गया। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, ये दरबारी बाजीगर मुकर्रर किए जाने से कुछ भी कम नहीं था। उस नौजवान का एम्बिशन क्या था, वो क्या बनना चाहता था? ही वॉन्टेड टू बिकम अ कोर्ट एक्रोबैट, वो शाही बाजीगर बनना चाहता था, वो दरबारी बाजीगर बनना चाहता था। अब जॉर्किन्स अपने फ्रेंड्स को एक स्टोरी बताता है, स्टोरी अब तक किसकी है, अ यंग फेलो की है, एक नौजवान शख्स की है, और वो क्या कहता है, उसके पेरेंट्स उसे वैसे ही बातें किया करते थे जैसी आजकल हम करते हैं, यानी हौसला शिकन बातें किया करते थे, और वो भी नौजवानों की तरह, आजकल के नौजवानों की तरह अपने पेरेंट्स को गलत साबित करना चाहता होगा, वो साबित करना चाहता होगा कि वो कुछ खास कर सकता है। ठीक है, तो जो भी उसका मकसद हो, वो जो भी साबित करना चाहता हो, मोटिव पर्पस, जो भी वो साबित करना चाहता हो, उसे एक गैर मामूली एम्बिशन का, एक गैर मामूली एम का ख्याल आया। एम्बिशन मीन्स हाई, हाई एम, बुलंद मकसद। तो उसका जो एम था वो क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऑर्डिनरी नहीं था, यानी आम लोगों ने अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं था, उसने उसे सोचा, हिटान उसके बारे में सोचा, ही हैड एन आइडिया अबाउट इट एंड स्टक टू इट, और वो फिर उससे जुड़ के रह गया। स्टेडफास्टनेस शो की, मुस्तकिल मिजाजी शो की, और उसका एम, उसका एम्बिशन क्या था, कोर्ट एक्रोबैट बनना। व्हाट सेड टर्बट, क्या टर्बट ने कहा, एक्रोबैट बाजीगर। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने बात जारी रखी।
द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के दरबार का, इन विच ही लिव्ड, जिसमें वो रहता था। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट, किस किस्म का मुल्क था वो, आस्क्ड टर्बट। टर्बट ने पूछा। नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, इसमें मत पढ़ो कि कैसा मुल्क था, सेड जॉर्किंस, जॉर्किंस ने कहा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जहां तक सच बात है, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज, इसकी रिवायात इतनी अहमकाना नहीं थी एज यू सपोज, जितना तुम समझते हो। कस्टम्स, रिवायात, रसूमात, ट्रेडिशंस, सिली, फुलिश, अहमकाना, इडियोटिक, सपोज, इमेजिन, अस्यूम। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके पास दरबारी बाजीगर की कोई नौकरी नहीं थी, उसके लिए कोई पोस्ट, कोई जॉब नहीं थी। एंड नेवर हैड हैड, और कभी भी नहीं रहे थे, तारीख में ही नहीं रहे थे। बट दैट डिड नॉट स्टॉप यंग जॉर्जियास, लेकिन इस बात ने नौजवान जॉर्जियास को रोका नहीं, ये बात नौजवान जॉर्जियास को नहीं रोक पाए। दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था, अच्छा स्पोर्ट्समैन था। When he came by his wild idea, जब उसे उसका अनहोना ख्याल आया। Wild means जंगली, वैशी, लेकिन यहाँ unusual, unusual, गैर मामूली, extraordinary. At about the age of 16, जब उसे यह अनहोना ख्याल, 16 बरस की उम्र में जब उसे यह अनहोना ख्याल आया। And had won the high jump, और वो जीत चुका था, क्या कुछ जीत चुका था, द हाई जंप, बुलंद छलांग जीत चुका था, एंड द हर्डल्स, और रुकावटों का खेल जीत चुका था, एंड द 100 yards, और 100 गज की रेस, 100 गज की दौड़ जीत चुका था, एट हिज स्कूल, अपने स्कूल में। तो जॉर्जियास की क्या क्वालिटी थी, ही वॉज अ गुड एथलीट, गुड स्पोर्ट्समैन, और उस ने अपना ये एम्बिशन कब बनाया, कोर्ट एक्रोबैट बनने का एम्बिशन, 16 इयर्स की एज में बनाया, 16 बरस की उम्र में बनाया, और उस वक़्त वो हाई जंप जीत चुका था, हर्डल्स जीत चुका था, 100 yards रेस जीत चुका था, अपने स्कूल का वो चैम्पियन था। वेल देर वॉज अपॉर्चुनिटी, खैर फिर तो मौका था, चांस था, आर्ग्यूड टर्बट, टर्बट ने दलील दी। तो टर्बट ने क्या दलील दी, कि अगर वो गुड एथलीट था, हाई जंप जीत चुका था, हर्डल्स जीत चुका था, और 100 yards रेस जीत चुका था, इसका मतलब था कि उसमें इस स्पोर्ट्स का चैंपियन बनने की सलाहियत भी थी। अगर वो बाकी स्पोर्ट्स में चैंपियन बन सकता था, तो वो इस स्पोर्ट्स में भी चैंपियन बन सकता था, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। इफ़ ही वॉज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा एथलीट, अच्छा खिलाड़ी पैदा हुआ था, तो इसमें तो फिर मौका मौजूद था, उसमें पैदाइशी सलाहियत, फितरी सलाहियत मौजूद थी। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक मिनट रुको, सेड जॉर्किंस, जॉर्किंस ने कहा। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप अपनी सारी उम्र एथलीट नहीं रहते, सारी उम्र खिलाड़ी नहीं रहते, सारी उम्र फुर्तीले नहीं रहते, एथलेटिक मतलब फुर्तीला, तो आप एथलीट सारी उम्र नहीं रहते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और उसने वो नौकरी भी तख्लीक करवाना थी, और वो जॉब भी, वो पोस्ट भी तख्लीक करवाना थी। उसके कंट्री में कोर्ट एक्रोबैट की जॉब थी ही नहीं, उससे उसके लिए कंपेन
कैंपेन करना थी, वो जॉब क्रिएट करवाना थी और जॉब तख्लीक करवा के उसे उस गेम का चैम्पियन बनना था। सो जॉर्कन्स का एम्बिशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन ये है कि वो कोर्ट एक्रोबैट बने, जबकि उसके कंट्री में कोर्ट एक्रोबैट की पोस्ट ही नहीं है, वो जॉब ही नहीं है। तो देखते हैं जॉर्जियास उसके लिए कैसे स्ट्रगल करता है और क्या वो स्ट्रगल करके कोर्ट एक्रोबैट बन पाता है या नहीं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।